जरा भी आंखों में पानी है तो अपनी माँ की कोख को कलंक मत लगाना। सुषुप्तनाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, चरक और धर्मांतर भी दारू को बुरा बतावे। चरक और धर्मांतर भी दारू को बुरा बतावे, चरक और धर्मांतर भी दारू को बुरा बतावे। ए भैया, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। नंदपुर और ये लड़की हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालकर और ये प्रियंका शास्त्री ग्राम नंदपुर खोंडरा एटा से आई हैं। ये बहन हमारे गुरुदेव जी के गले में फूलों का हार, सिर पे पगड़ी और भेंट में उनका दौलली और 101 रुपए हमारे गुरु जी को दे रही हैं। भगवान इस बहन को सद्बुद्धि प्रदान करे, अपना नाम रोशन करें, धर्म की ओर हाथ आगे बढ़े। दुष्परिणाम दारू के, प्राण वायु की चाल जतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में, रक्त नाड़ियां ढीले हो खून की चाल बढ़ जाती। ध्यान रखिए, इसलिए गढ़िया क्षेत्र के लोग आज आखिरी दिन है कथा का। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले और धन के अभिमानी दारू ने भिख मंगा कर डाले। ए भिख मंगा कर डाले भाइयो, भिख मंगा कर डाले, धन के अभिमानी देखे हमने दारू डाले, ए चौराहे पे
छुपावे चर के और धन मंत्र भी दारू को बुरा बतावे। ए चर के और धन मंत्र है दारू को बुरा बतावे। ए चर के और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पर्याय घरों में ताले और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। आधार में सकीटम देखे पड़े कींच के नाले और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। इसलिए भाइयों आज दारू का दौर बुरा बढ़ चुका है। आज के कथावाचक ये रट्टू तोता बिना दारू के नहीं चलते। ये पीले पीले दुपट्टा डाले इनसे होशियार रहना। भागवत को पहले तो ऐसे शरप्पन को बुलाओ ना, और बुलाओ तो बहन बेटियों मत बिठाना इनको। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। वेद सात ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ए वेद सात ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ए वेद सात ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ए नशेबाज का दुनिया में इसलिए मैं दारू बाज बाणासुर को अपनी लड़की नहीं दूंगा। कोई और लड़का बताओ मेरी बिटिया रुक्मिणी के लिए। दूसरा लड़का बताएं। अब हम जो बता रहे भाई में तुम कछु न कछु कमी निकाल देते हो। अब एक लड़का और हमारी नजर में है, मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नशा और ये विकास भ्राता श्री ये नोटों का हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने सुख और शांति दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। एक बात बताओ, मगध का राजा जरासंध, हाँ तुम कोई नशा करते हो? नशा नहीं। तो नशा जैसी बातें क्यों करते हो? तुम लड़का पूछ रहे हो, हम तुम्हें लड़का बता रहे। तो हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को, ऊंट के गले में बकरिया लटका दे ऊंट के गले में। तुम्हें कै साल को चाहिए लड़का जब बताओ? बिटिया 21 साल की है तो 25 साल का लड़का मिल जाए। तो पिताजी पांच पांच साल के पांच ढूंढ ले तो। चुप 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 चुप। कहा मैं बिटिया रुक्मिणी पांच पांच साल के बच्चों गोद में खिलाएगी? एक लड़का चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। बेटा रुक्मेश। जी पिताजी। कहिए पिताजी। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है? पिताजी मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है बोले? भगवान कन्हैया द्वारकाधीश। हाँ। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। बात समझ में?
पिताजी भगवान दोहर का दी दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाओ और भगवान यदुकुल भूषण कन्हैया को टीका भेजो। ये सभा में तालियां कैसी बज रही हैं? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई उनके मुंह में दो दो रसगुल्ला दे दो, और जिन्हें तालियां नहीं बजाई उनके मुंह में ईंट फोड़ो। क्यों? तुम्हारी बहन को दूल्हा मिल गो। हमारी बहन के लिए? हाँ, तो भाजू दौड़ने के नंबर कौन मिलो? कड़िया में आए और सारे काम सिद्ध हुए। भैया कौन लड़का है? भगवान यदुकुल भूषण कृष्ण चंद्र महाराज दोहर का अधीश वासुदेव। पिताजी हाँ, कन्हैया के साथ मेरी बहन की शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तुम्हें पता नहीं है का? ये वही कन्हैया है जिसने माखन चुरा चुरा के खाता रहा, लड़कियों को इधर उधर भगाता रहा। लड़कियों भगाते रहो? हाँ, ये लड़कियां तो वैसे चंचल होती हैं, भजती हैं, देती रही जब, मतलब जो थोड़ी है कि कन्हैया मेरे दोषी है। नहीं, मैं कन्हैया के साथ मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देगा? वो लुच्चा है, लफंगा है। शांत हो जा, शांत, जरा मुंह तोड़ के पीछे कर दूंगा। मेरे भगवान कन्हैया को तू लुच्चा बता रहा है? शर्म कर, कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है तेरी नजर में? मेरी नजर में एक लड़का बहुत सुंदर है, और अब की बार तुम उसे पसंद कर लेना, कमी नहीं निकालोगे। बहुत पैसे वाला है। अच्छा, बहुत बड़ा उसका घर है। अच्छा, दो कोसम बनो घर वाला। हाँ, अच्छा, और रिश्ता में हमारा साला है। हाँ, शिषपाल। क्यों रे नालायक, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? क्यों? जब बाने अपनी बहन हमें दे दे तो हमें देना परेशान? हिसाब किताब बराबर। जो तुझसे बहनों कहता तू उससे जीजा कहेगा? सवेरे वो कहे संजाओ हम कह दें। मेरे सन्मुख और रुकम तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, अगर ये शादी बाहर आ जाएं, उनका सम्मान होगा। अगर ये शादी पक्की होगी रुकम, हाँ, कदापि नहीं, तो खून की नदियां बह जाएं, बह जाएं, नदियां बह जाएं, चाहे लाशों के अंबार लग जाएं, लेकिन हम अपनी बहन रुक्मिणी कन्हैया को कदापि नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, तुम बूढ़े हो, भाई सो भाई, अकल भी बूढ़ी हो गई, बात बढ़ गई। रुकम ने पंडित नाई को बुलाकर चंदेरी के राजा शिषपाल को टीका भेज दिया। नहीं चली उस बाप की। भैया इन कन्याओं का सम्मान करने वाले आ जाए, कौन कौन करेंगे, जल्दी करो। मेरे भाइयों, इधर रुक्मिणी की सहेली को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका गा। ये लड़कियां वैसे भी चंचल होती हैं। Yeah, no, no.
जय न लगा। कलश वाली बहनों का जो सम्मान करना चाहते हैं वो सभी भाई आ जाएं, जो भी करना चाहते हैं सम्मान करने वाले आ जाएं। एक बार में ना हटाओ। और ये संदेश सनो स्वदेश यादव ग्राम गड़िया इसी गांव के रहने वाले हैं। 11-11 मुद्राएं हमारे भागवत मंडल के सभी भाइयों को दे रहे हैं और गुरुदेव को 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति दे, धर्म की ओर हाथ आगे बढ़ाता रहे। आज लड़कियां भागी रुक्मणी के पास आई और कहने लगी, रुक्मणी रुक्मणी मेरा मुंह मीठा कराओ, मुझे इनाम इकराम दे दो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई। रुक्मणी कहने लगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, इनाम भी दे दूंगी, खुशखबरी तो बता। कहने लगी, जिसे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमठ हकलाते, चंद्रमा सूरज झुक के चलते हैं, उस महान वीर शिषपाल से भगवान ने तेरा जोड़ दिया, जोड़ा जोड़ दिया। जो शिषपाल का नाम सुना, रुक्मणी जहां खड़ी थी वहीं कलेजा थाम के बैठ गई और कहने लगी, दीदी यही खुशखबरी थी? अरे इसके बदले में तुम्हें मौत की खबर सुना देती तो ज्यादा अच्छा था। जिससे दिग्पाल काम तो उससे मैं भी थर्राती हूं। ओरी बहन, तू शिषपाल का नाम न ले, मैं तेरे हा खाती हूं। और क्या बोली है, इसके बदले में बहन तुझे चमड़ी मिल जाएगी। दीदी हाय राम, ओहो जसवीर की माता जी पसीना लगी रुक्मणी के ब्याह पर 101 रुपया दे करके मैया रुक्मणी की कामना करती है, शुभ कामना। बहना मेरी लाश मिलेगी। लड़कियां बोली, शिषपाल में क्या कमी है जो तुम घबरा गई हो? रुक्मणी बोली, में कमी नहीं बताती, पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह नहीं तो भमरे भरे पड़ जाए। सोनू मोनू सनोपदेश राज, ये मुद्राओं का हाल और पगड़ी बांध कर हमें सम्मानित करके भगवान सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, रुक्मणी कहने लगी, दीदी मैं कमी नहीं बता रही, दूल्हा तो वही होता है जिसके लिए दिल में जगह हो,
और दिल में जगह नहीं तो हमरे भले पड़ जाए वो दूल्हा हो ही नहीं सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है, तो रुक्मणी बोली सुनो दीदी, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती।